इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे, आयतल कुर्सी कहती है मालिक के कायनात की कसम सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारक अल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले, मालिक के कायनात की कसम मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारक अल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और कयामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं, अभी कई दिन हो गए अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। और अखबार ने लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था, उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोजमर्रे लोग धड़ाधड़ एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता है कुल अल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे 1000 मरतबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, कैसे भुलाऊं। तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हुवल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं।